लटेरी में डोल ग्यारस के अवसर पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भजनों की प्रस्तुति पर श्रोताओं ने देर रात तक कार्यक्रम में आनंद लिया। हर साल डोल ग्यारस के अवसर पर लटेरी नगर में विशाल धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में इस बार भी लटेरी में भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नगर के जयस्तम चौक पर वृंदावन से आए धीरज बाबरा एवं उनकी मंडली के कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रोताओं ने भजनों का रात भर भरपूर धार्मिक आनंद लिया। कार्यक्रम में विशेष रूप से माखन सिंह चौहान, मेला प्राधिकरण अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कार्यक्रम को सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बताते हुए कार्यक्रम के भव्य आयोजन की तारीफ की। कहना चाहेंगे आज के इस लटेरी में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आज का आयोजन ये परंपरागत रूप से हिंदू समाज का ढोल ग्यारस आदिकाल से चला आ रहा है, इस प्रकार कार्यक्रम है ये। यहाँ पर विशेषता यदि उसकी है तो इस रूप में ही है। यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे सारा समाज ही और सभी ने ही अपने मन के ऊंचे ऊंच छुआछूत जाति ये सब भाव छोड़ करके सब मिलकर के और एकजुट होकर के काम करना और यह उत्सव उसी भाव को व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। दिख रहा है प्रत्यक्ष है वहाँ, या कोई किसी प्रकार का भाग नहीं। ये हिंदू समाज की बहुत उत्तम स्थिति है, यही स्थिति अपेक्षित है। हम लोग तो यहाँ लाभ उठाने के लिए आए थे, हम लोगों को तो आमंत्रित कर दिया था, हम तो अभाग्य मानते हैं कि भाई इतने अच्छे कार्यक्रम में हम लोगों को आमंत्रित किया है। इसलिए हम तो यहाँ की समिति और जो आयोजक है इन सब के बहुत आभारी हैं। इस उत्सव पर हम तो एक ही कामना कर सकते हैं कि भगवान हम सबको ताकत दे, शक्ति दे कि हिंदू धर्म फिर से दुनिया के बीच में एक शक्तिशाली सभी के लिए मार्गदर्शक जैसा मंदिर करके आए सामने, यही अपेक्षा है। लटेरी से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।